हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की 100% चांसेस है। तो पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन सेकंड है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अंतर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के 5 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है सर, डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी अदर फॉर्म से, जैसे डिक्टेटर फॉर्म हो या मोनार्कियल फॉर्म है। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट, यानी आपको आर्गूमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन, यानी क्वेश्चन ये है, सो नो पार्टी सिस्टम, कोई भी पार्टी सिस्टम, जैसे आपने वन पार्टी सिस्टम से टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें ये बता रहा है सर, नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन। एनालाइज द स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, तो एनालाइज करना है। लास्ट क्वेश्चन बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन को दूसरी टाइप से पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया गया आपका, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपको एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है। क्या है दूसरे टाइप से, डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, एक्सप्लेन। दोस्तों, मुझे आशा है ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आशा है मैंने जो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।